भाइयों, मैं चंद्रजीत आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज अटा मांडा से। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, उसी चीज को चरितार्थ करने वाले एक हमारे कृषक भाई हैं, श्री नारायण देव राव पंधारी पांडे। ये महाराष्ट्र के यवतमाल जिला के पुसाद गांव के रहने वाले हैं। जब देखा इन्होंने वर्तमान समय में पशुओं की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही, जैसे देखिए पहले हम लोगों के यहाँ सबके यहाँ बैल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे बैलों की संख्या क्या हुई, समाप्त होती जा रही है। अब आ गए मैकेनाइज खेती हो रही है, ट्रैक्टर आ गए, तमाम यंत्र आ गए, उसके द्वारा हो रहा है, तो पशुओं की संख्या धीरे धीरे घट रही है। तो हमारी जो फसलों के उगाने के लिए जो हम लोग पहले कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद तैयार करते थे, तो उसमें काफी मात्रा में गोबर उपलब्ध हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जब पशु कम हो गए तो गोबर की मात्रा भी घटने लगी। तो ये जो श्री नारायण देव ये पंधारी पांडे जी ने, इनको नाडेप काका के नाम से भी जानते हैं। इनका पूरा नाम है श्री नारायण, काफी लंबा नाम है, देवराव पंधारी पांडे, ये इनका पूरा नाम है। इनको नाडेप काका के नाम से भी जानते हैं, नाडेप काका के नाम से मशहूर हैं। नाडेप जिसे जानते हैं, इनका नाम हो गया यन से, यन शॉर्ट कर दिया गया है, देव यन ए से हो गया यन ए डी ई ए एफ नाडेप, ये नाडेप काका के नाम से मशहूर है, पहला पहला अच्छा जोड़कर बनाया गया, तो ये नाडेप काका के नाम से ही मशहूर हैं। इन्होंने एक ऐसे विधि की खोज की कि हम कम से कम गोबर में अधिक से अधिक हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जिसका इन्होंने नाम दिया गया है नादेव या नाडेप कंपोस्ट। ये देखिए कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी चीज होती है उसको हम लोग देखते हैं। ये वर्तमान समय में जैविक खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मैटर है, तो इसको तैयार करने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से चार पांच चीजों की आवश्यकता होती है। उसमें देखिए नंबर एक होता है कचरा, जैसे आप कचरा जानते हैं, कचरा मीन्स क्या हुआ, हमारे जो फसलों के अवशेष होते हैं, डंठल है, पुआल है, खरपतवार है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, सड़े गले जो भी हमारे घर के जो है सब्जियों के छिलके, तमाम चीज निकलते हैं, उसमें क्या है नंबर एक पर कचरा, कचरा हो गया। कचरे हम जानते हैं सब फसलों का अवशेष, फसलों के अवशेष रहते हैं, उसमें हरी पत्तियां भी हो सकती हैं और जड़ भी हो सकती है, डंठल भी हो सकता है, पुआल भी हो सकता है। नंबर दो देखिए, इसमें होता है गोबर, इसकी मात्रा कितनी होती, कचरा जो होता है हमारा होता है करीब 1500 से 2000 केजी, ये हो गया नंबर दो हमारा है ये गोबर। गोबर बताए थे आप, इसकी मात्रा कम लगती है, कम गोबर से अधिक कंपोस्ट हम लोग बनाने के लिए विधि बता रहे हैं, तो ये करीब 100 केजी गोबर हो गया। और नंबर तीन हमारा है मिट्टी कितनी होती है 1700 से 1800 केजी, ये मिट्टी की मात्रा की आवश्यकता होती है। और नंबर चार है पानी की 1500 से 2000 लीटर, ये मैटर हमारे चार जो होते हैं इसके मुख्य अवयव होते हैं, इसकी क्वालिटी बनाने के लिए हम लोग अभी आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे चार पॉइंट होते हैं कचरा, गोबर, मिट्टी और पानी। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा की जगह हम इसे खाद बनाते थे, गड्ढा बनाते थे, इसके लिए क्या करते हैं ईंट की दीवार बनाते हैं। उसकी क्या साइज होती है देखिए, जैसे ये हमारे आइटम हो गए, ये बनाते हैं यहाँ पर 3.3 × 2 × 1 मीटर, इस आकार के हम लोग क्या बनाएंगे, ईंट और सीमेंट की दीवार बनाते हैं। इसी के बनाने की क्या विशेषता होती है देखिए, जो हम लोग इसका गड्ढा तैयार करते हैं खाद बनाने के लिए, इसकी एक विशेषता होती है कि ये ईंट की जो हम लोग चुनाई करते हैं, सपोज दैट जैसे हम लोग मान लेते हैं ये हमारा हो गया ये 3.3 मीटर या 3.5 मीटर भी कर लेते हैं, ये हमारी क्या हो गई लंबाई, और ये क्या हो गई सपोज कर लीजिए ये हमारी चौड़ाई हो गई, कितनी हो गई 2 मीटर हो गई।
और ये क्या हो गई ऊंचाई। चलिए इसको फिर से बना लेते, देखिए ये हमारी हो गई, ये साइज हो गई कितना, ये चौड़ाई हो गई 2 मीटर और इसका ये देखिए ये 3.3 मीटर हो गई और ये जो इसकी ऊंचाई होगी ये 1 मीटर ये हो गया। अब जब इसकी हम दीवार की चुनाई करेंगे तो क्या करते हैं, ईंट से और सीमेंट से जुड़ाई कर लेते हैं, तो जो तीन ये बनाते हैं लेयर की जो चुनाई करते हैं ये समान रूप से इसकी हम लोग चुनाई कर लेते हैं। इसके ऊपर जो चुनाई करते हैं तो 1 फीट की दूरी पर 5 से 7 सेंटीमीटर का एक गैप छोड़ देते हैं। जैसे मैं यहां से ईंट यहां तक जोड़ा गया, ये जोड़ा गया तो यहां क्या किए बीच में गैप छोड़ दिए, फिर यहां जोड़े दिए ईंट, फिर यहां गैप छोड़ दिए, तो इस तरह से हम लोग इसकी चिनाई करते हैं। फिर जब ऊपर की बनाएंगे तो यहां पर क्या करेंगे, यहां ईंट लगाएंगे और यहां गैप छोड़ देंगे, यानी बीच में छोटा छोटा 5 से 7 इंच का हम लोग गैप छोड़ते जाते हैं। नीचे के तीन ये होते हैं, नीचे का 3 हिस्सा और ऊपर का, ऊपर की जो 3 ईंट चुनाई होती है इसमें हम लोग गैप नहीं छोड़ते हैं, नीचे के 3 और ऊपर के 3 ईंटों में इसमें गैप नहीं छोड़ते हैं और बीच में हम लोग इस तरह से 1 फुट के बाद बीच में गैप छोड़ जाते हैं। गैप छोड़ने का वैज्ञानिक कारण जानते हैं कि हमारे सड़ाने के लिए क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, फफूंद होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो ये उसमें एरेशन होता रहता है, उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है और वो एरोबिक एनएरोबिक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस होते हैं इसमें, तो वो उसको सड़ाने का काम करते हैं, इसलिए बीच बीच में हम लोग ये छोड़ते हैं हवा जाने के लिए और इसमें नमी मान लीजिए जरूरत पड़ती है तो पानी से भी इधर छिड़काव भी कर सकते हैं। ये हमारा ढांचा तैयार हो गया। ढांचा तैयार होने के बाद क्या करते हैं, ये हमारा 3.2 मीटर हो गया, ये सपोज ढांचा तैयार हो गया। अब ये देखिए इसको भराई कैसे करेंगे, सपोज दैट हमने क्या किया, ये हमारा गड्ढा है तो सबसे नीचे क्या किए, जब इसमें गोबर घोल करके 4-5 लीटर जो है किलोग्राम गोबर 20-25 लीटर पानी में घोल करके आकर अंदर से लिपाई कर देते हैं इसके पूरे, लिपाई करने के बाद छिड़काव कर देते हैं नीचे के हिस्से में, फिर सबसे पहले क्या भरते हैं नंबर एक पर कचरा भरेंगे। कचरा कितना ये होता है, ये करीब 6 इंच यानी 15 से 20 सेंटीमीटर तक क्या भर दिए हम लोग कचरा, कचरा यानी फसलों के अवशेष होते हैं जो पत्तियां होती हैं जड़ें होती हैं उसको भर लिए। कचरा के ऊपर क्या करें, और 4-5 किलोग्राम गोबर को 100 से 125 लीटर पानी में घोल करके उसे क्या करते हैं, इस पे कचरे के ऊपर खूब छिड़काव करते हैं, काफी छिड़काव करते हैं, ये दूसरा हमारा क्या हो गया गोबर। और कभी कभी देखिए बायोगैस की सलरी भी होती है तो और अच्छी मानी जाती है, उसको सड़ाने में और सहयोग करती है, तो उसको भी पानी में घोल करके ऊपर खूब इसको गीला कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, करीब 1 इंच से जो होती है मिट्टी, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मिट्टी बिछा देते हैं, और मिट्टी छनी हुई होनी चाहिए, उसमें प्लास्टिक कंकड़ पत्थर या शीशा कोई चीज ना हो, ये हमारी तीसरी परत क्या हो गई मिट्टी। मिट्टी सबसे नीचे कचरा, फिर गोबर, फिर मिट्टी, और मिट्टी जब होने के बाद क्या होगा, फिर पानी का छिड़काव, जो मान लीजिए चौथी परत हमारी क्या हो गई पानी, पानी इसके ऊपर क्या करेंगे खूब पानी का छिड़काव करेंगे, यहाँ तो गोबर मिलाकर छिड़के थे, यहाँ पर केवल पानी मिलाकर खूब मिट्टी को तर कर देंगे, तो हमारी क्या हो गई ये 1 लेयर तैयार हो गई। इसी तरह से हम इस गड्ढे को पूरा यहाँ तक भर लेंगे, इसके ऊंचाई से लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचा, इसके इसके जो होते लेवल से जो भरे हुए हैं यहाँ पर गड्ढा उसे 40-50 ऊंचा भर लेते हैं। और भर के कैसे बनाते हैं, छप्पर नुमा बना लेते हैं, जैसे देखिए ये हमारा हो गया, इसको हम लोग छप्पर नुमा इतना ऊंचा करते हैं जैसे लगता है छप्पर हो गया है, तो इसे करीब 40-50 जब आप ऊंचा करेंगे तो इसे छप्पर लगेगा। ये देखिए ये हमारा हो गया, इतने ऊंचाई पर भर देते हैं, ये 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई भर देते हैं, ये हमारा गड्ढा भर गया, ये तो हमारे जो है ईंट की चुनाई हुई है ये हो गया, और ये कैसा हो गया छप्पर नुमा बन गया। तो इस पर क्या करेंगे, जब भरने के बाद इसको पूरे के पूरे जो है करीब 6 से 7 सेंटीमीटर जो होता है गोबर के, गोबर और गाय की
गोबर और मिट्टी मिला करके इसकी लिपाई कर देते हैं, पूरे इस पर लिपाई कर देंगे और हमारा क्या हुआ, जितने कार्बनिक पदार्थ हम लोग भरे हुए हैं सब ढक जाता है और इसमें धीरे धीरे सड़ना प्रारंभ हो जाता है। उसके करीब 40 से 50 दिन बाद क्या होता है कि देखिए धीरे धीरे ये जो हमारा ऊंचा यहाँ तक भरा हुआ था इतनी ऊंचाई पर 40 से 50 सेंटीमीटर, वो क्या होगा धीरे धीरे 20-25 सेंटीमीटर नीचे बैठ जाता है। तो वही प्रक्रिया फिर आती है, कचरा गोबर मिट्टी और पानी छिड़क करके इसको फिर भर देते हैं और पुनः इस पर हम मिट्टी और गोबर की लिपाई कर देते हैं। इसकी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम लोग और क्या क्या मिला देते हैं, देखिए इसमें अगर हम और बनाना है तो ये सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, जिप्सम, जिप्सम और क्या यूरिया, यूरिया या सिंगल सुपर फास्फेट रॉक फास्फेट भी ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं 1.5 किलोग्राम सबके 1.5 किलोग्राम मिक्सचर बना करके क्या करते हैं एक परत भरने के बाद ऊपर हल्का सा छिड़काव करते हैं। इससे हमारी जो होती है नाइट्रो कंपोस्ट होती है इसकी क्वालिटी और बढ़ जाती है, इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है, हमारी खाद जल्दी सड़ करके तैयार भी हो जाती है। और क्वालिटी बढ़ाने के लिए और क्या क्या इसमें मिलाते हैं, इसके अतिरिक्त में इसमें देखिए आप जानते हैं कि बायो जो फर्टिलाइजर होता है क्या हमारा राइजोबियम है, पीएसबी माने राइजोबियम, ये राइजोबियम मिला देंगे इसमें, राइजोबियम नंबर एक। दूसरा पीएसबी, पीएसबी क्या है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जो हम पर हमारे जो है फास्फोरस होते हैं उसको घोल करके पौधों को उपलब्ध कराने के लिए बहुत सहयोग करता है, इसको पीएसबी कल्चर बोलते हैं, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। नंबर तीन एजोटोबैक्टर, जानते हैं कि बिना तलहनी फसलों वालों में ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन इकट्ठा करता है, एजोटोबैक्टर। इसको 20 से 25 लीटर पानी में या गुड़ भी मिला लेते हैं इसमें, चौथा कभी कभी गुड़ भी मिला लेते हैं, ये गुड़, गुड़ कितना 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम गुड़ मिला दिया जाता है 2 केजी। और ये कितना कितना मिलाते हैं सबको 500 ग्राम, ये 500 ग्राम सबको राइजोबियम पीएसबी एजोटोबैक्टर 500 ग्राम मिलाकर इसको मिक्स कर लेते हैं सबको और 2 किलोग्राम गुड़ को 20 से 25 लीटर पानी में या गो का गाय का मूत्र मिल जाए तो और अच्छा होता है। तो उसमें घोलने के बाद क्या करते हैं 50 से 60 दिन बाद इसमें बांस से यहाँ क्या करते हैं छेद करते हैं, यहाँ पर बांस से छेद करने के बाद जगह जगह इसको हम लोग इसी घोल को भर देते हैं, यहाँ जड़ तक छेद करने के बाद इसको ये हमारा ये तैयार हुआ राइजोबियम ये सब चीजें इसको ऊपर से सब भर देंगे जगह उसमें जो होता है छेदों में, भरने के बाद ऊपर से फिर लिपाई कर देते हैं। अब इसको छोड़ देते हैं, अब हमारी खाद देखिए कितने दिन तैयार हो जाती है, ये लगभग 90 से 120 दिन में, 90 से 120 दिन में ये खाद तैयार हो जाती है। अभी सोचिए इतने कम समय में ये खाद तैयार हो जाना बहुत ही अच्छी बात है, जबकि और गोबर और कंपोस्ट होती है हमारी 5 से 6 महीने में तैयार होती है, ये 3 महीने में, 3 से 4 महीने में हमारी खाद जो है तैयार हो जा रही है, या 90 से 120 दिन में। और इसकी विशेषता ये देखिए इससे लाभ क्या है, इसमें जो होता पोषक तत्वों की मात्रा देखा जाए तो इसमें जितना ये देखिए नाइट्रोजन जो होती है इसमें होती 0.75 से 1.5%, और जो फास्फोरस होता है ये 0.5 से 0.9% तक, और जो पोटास होता है वो होता है 1.2 से 1.4%। अब सोचिए जो सामान्य खाद होता है उससे 2 गुना 3 गुना इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है, इसके अलावा सूक्ष्म तत्व भी इसमें बहुत मात्रा में पाए जाते हैं जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अभी हम लोग देखिए सिंगल सुपर फास्फेट और पीएसबी राइजोबियम एजोटोबैक्टर सब मिलाए हैं तो इससे और उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, मात्रा उसकी और बढ़ जाती है। इसके अलावा देखिए उसके और क्या लाभ है, ये करीब जो खाद की मात्रा हमारी 3 गुणे ये होती है 3.3 गुणे 2 गुणे 1 में हुई, ये करीब 3 से इस गड्ढे में लगभग 3 से 3.5 क्विंटल खाद तैयार होती है। इतनी खाद तैयार होगी तो ये गड्ढे से अगर हम लोग 5-6 गड्ढे कर लें तो इसको हम लोग कमर्शियल बेस पर करके खाद को हम लोग बेचने के लिए कर सकते हैं, अपना उद्योग भी इससे स्थापित कर सकते हैं, कुटीर उद्योग बन जाएगा। इसके अलावा और क्या फायदे इसके हैं, देखिए अगर हम लोग कंपोस्ट खाद कितनी मात्रा किस फसल में डालनी है, जैसे देखिए दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए है, ये दलहनी और तिलहनी
तिलहनी के लिए है, दलहनी तिलहनी के लिए है ये 4 से 5 कुंतल, दलहनी 40 से 50 कुंतल, 40 से 50 कुंतल दलहनी के लिए। और धान में, धान आबलिक गेहूं में कितनी आवश्यकता होती है, धान आलू गेहूं में करीब 90 से 100 कुंतल, और सब्जियों में इसको कितना प्रयोग करेंगे, सब्जियों में इसको 125 से 150 कुंतल। इतनी खाद अगर हम लोग प्रयोग कर दें तो हमारी फसल बहुत ही अच्छी होती है। इसकी विशेषता एक और होती है कि इसको खेत मिलाने से हमारी भूमि की जो भौतिक दशा होती है, उसकी संरचना होती है, रंध्रावकाश होता है और पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है, तो हमको सिंचाई भी कम करनी पड़ती है। इसके अलावा एक फायदा और इसका होता है, अगर हम लोग फसल चक्र का अच्छे ढंग से प्रयोग करें और इस नाइट्रेट कंपोस्ट का उपयोग करें फसलों में, तो अगर पहले साल हम इसको दिए, दूसरे साल, तीसरे साल बाद जो पहले साल जो हम लोग उर्वरक देते हैं उसमें कितना करते हैं, उसका 50%, एक साल दिए तीसरे 50% घट जाएगी, दूसरे साल 75% और तीसरे साल जो है 100% जो होता है हम लोग उर्वरक फ्री हो जाएंगे, घटाते जाएंगे, पहले 50% उर्वरक कम कर देंगे, दूसरे साल जब नाइट्रेट कंपोस्ट डालेंगे रिकमेंडेड मात्रा के अनुसार से तो 75% कम कर देंगे उर्वरक और तीसरे साल 100%, यानी जो चौथे साल हम जो फसल बोएंगे और उसमें नाइट्रेट कंपोस्ट का प्रयोग करें तो वो उर्वरक विहीन हमारी फसल तैयार होगी। अब इससे क्या होगा कि जब उर्वरक विहीन यानी हम लोग जैविक खाद डालें, केवल नाइट्रेट कंपोस्ट डाल करके उतना ही उत्पादन ले सकते हैं जितना कि हम लोग उर्वरक डाल करके उत्पादन ले रहे थे, तो उससे क्या होगा, जो हमारे फसल का जो प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा, जो फसल हमारी तैयार होगी, सब्जी तैयार होगी, वो पूरी जैविक क्वालिटी की, जैविक प्रोडक्ट होगा, जैविक उत्पाद, वो हमारा जैविक उत्पाद होगा, ये होता है। इससे क्या होगा, उसमें जो क्वालिटी होती है, पोषक तत्वों की मात्रा होती है और हमें जो तमाम केमिकल्स वगैरह खेतों में डाल रहे हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में भी वो सर्कुलेट हो रहा है, जो साइकिल चल रही है खेतों से हमारे शरीर, हमारे शरीर से फिर खेतों में, तो वो जो होती है प्रक्रिया इसमें नहीं होगी। जैविक चीज खाएंगे हम लोग, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, इससे कितनी अच्छी फायदा है। और इसमें जानते हैं कि 1 किलो से हम लोग 30 किलो जो है खाद तैयार कर ले रहे हैं, कम लागत में और कम पूंजी में और कम स्पेस में, कम समय में अधिक से अधिक हम लोग ये खाद तैयार करके अधिक से अधिक पैदावार ले रहे हैं। तो ये हमारी आपकी नाइट्रेट कंपोस्ट हो गई, ये अपनाएं आप लोग, किसान भाइयों से अनुरोध है इसको अपना करके आप अपने खेतों में प्रयोग करें और